जब ऑन ईयर देखेंगे तो लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है कि समझ ना सकें, लोग इनकी प्रोफाइल्स पे जाके ये भी पढ़ सकते हैं कहाँ से पढ़ी लिखी हैं। तो कैसा लगा यहाँ तक का सफर आपका? मुझे जाना नहीं है। लेकिन आपको जाना होगा। तो टीम मेंबर से बदतमीजी अलाउ नहीं है, उसको भेजा है। अगर वो जुहेब से सॉरी कर देगी तो ये लॉकेट उसका, नहीं आई तो आप दोनों तो जा ही रहे हैं। बकार भाई मैं एक सवाल कर सकती हूँ? नहीं। म्यूजिक। तो आखिरी दफा आप दोनों मिल लें और अपनी जगह इनको दे दें। कौन से बेड हैं आपके, क्या है वो इनको मेरा वो कोने वाला। हम दोनों के वो कोने वाला। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला तू मेरी पार्टनर थी यार, तू स्ट्रॉन्ग है, आ सकती है वापसी। आएगा वापसी। रुबैशा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वापसी है। मैं ये दुआ कर रहा था कि आप वापसी आए जल्दी। ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के चार टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और मैं बस हो गया। अब बता क्या करूँ तेरा। यार जब हमार ने बैकआउट किया ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने दो चार छांटे लगाऊं साले को कि क्यों बैकआउट मारा तूने यार। एक चप्पल नहीं खा सकता तू, मैंने सोच के रखा एक चप्पल नहीं खा सकता मरिए के लिए यार। अगर आप देख रहे ना तो तूबा मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है, पर मैं बोलना नहीं चाहती। आप इतना झूठ क्यों बोलती हैं? आपने कहाँ से सीखा? लोग डिग्रीज लेते हैं, मैं पढ़ रही हूँ, मेरी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, पर तूबा ने झूठ की डिग्री ली। साफ है, डिग्री डिग्री होता है। शेम ऑन यू, बहुत बुरी बात है इस तरह दूसरों के बारे में बुराई करना। आप सच्ची बुराई करो तो समझ आती है ना। देखिए आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। आमिर ठीक है। ग्लासेस क्यों? अच्छा लगने के लिए। में बुलाया गया डेयर की लोकेशन पे। लोकेशन देख के बहुत इंटरेस्टिंग फील आ रही थी, अब लग रहा था यार लोकेशन में दम है और ये लोकेशन के साथ डेयर भी नस्ली है। तैयार हैं आप लोग? एंड गो। और आपका भाई फुल स्पीड में जा रहा है, फुल स्पीड में जा रहा है वहां पे पूरी लोकेशन पे, और हमाद लूसी मुझ पे कॉपी करके मेरे रास्ते में आके मुझसे छीन लिया। आपका भाई गिर गया। म्यूजिक। रिवर्स में तो मैं बहुत तेज भाग रही थी, पर जब मेरी साइड पे नजर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पे कोई उछल उछल के कैंगरू की तरह भाग रहा है, और जब मैंने गौर किया तो वो था हम्माद। म्यूजिक। तो प्लीज मेरी मेहनत को लक का नाम देके ना उसको वो ना करें, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं हर चीज बहुत कैलकुलेटेड वे में करता हूँ, तो वो मेरी मेहनत है, इट्स नॉट लक। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। म्यूजिक। जो टॉप थ्री में कंटेस्टेंट आए हैं, हम्माद नंबर वन, नंबर टू आमिर, नंबर थ्री मारिया, तीनों एक साथ खड़े हो जाएं, तीनों इधर आ जाएं। ये तो लव ट्रायंगल जीत गया। ये क्या हो रहा है? चलो कोई नहीं, बहन भाई एक साथ खड़े। आप मेरे पे नहीं वकार भाई पे सवाल उठा रहे हो कि आया क्यों, वकार भाई ने लिया क्यों इसको? मेरे को वकार भाई ने लिया ना, आपने थोड़ी लिया है। अच्छा भाई जो वेरी लो फिलहाल टॉकिंग अबाउट, आपसे नहीं बात कर रहे। म्यूजिक। सिर्फ
छिलका भी मांगा, छिलका भी, छिलका भी, छिलका भी, छिलका भी, राशिद राशिद छिलका भी, राशिद छिलका सवाल है, राशिद हमारी इज्जत का सवाल है, राशिद राशिद इज्जत का है, इज्जत प्लीज आप हमारी मदद करिए, अंडे खाने में एक अंडा खा लो यार, तबीयत बहुत खराब है, हमें बाबा ने बोला कि अगर आप अंडे खा लोगे ना तो मेरी भाई की तबीयत ठीक हो जाएगी, प्लीज आप खा रहे हैं बस 5 अंडे, प्लीज जल्दी से खा, उसकी तबीयत ठीक है, आप उसके रहम खाए, प्लीज खा रहे, प्लीज आप समझने की कोशिश करें, प्लीज खा रहे, मुझे यकीन है आप दूसरों का एहसास कीजिए, खा लीजिए जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह खा लीजिए, आप अंडा खा लेंगे, भाई की प्लीज। मेरी 5 अंडे के 10,000 रुपए, 5 अंडे के 10,000, 1 घंटे का बोला था, 5 अंडे नहीं, आप मुंह में तो 1 घंटे का बोला था, ये ये पैसे तो हमारे पास नहीं है, पैसे हमारे पास नहीं है, आप पैसे लेके आती, पैसे लेकर आ रही है वो, फिर जो आगे सीन हुआ है वो तो भाई आ